बात किया था कि आज हम D9 चार्ट्स और D1 चार्ट्स के कंपैरिजन में कुछ रूल्स करेंगे। सो आज हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, ठीक है। लेट मी पुट सम चार्ट्स ऑन स्क्रीन और वहीं से स्टार्ट करेंगे आज हम। राइट, मुझे एक मिनट दे, मैं जरा एक PPT ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसको स्क्रीन पर लगाऊंगा। सर, चार्ट्स को हम लोग सॉल्यूशन के एंगल से भी थोड़ा देखें, क्योंकि क्या करना चाहिए था जिससे प्रॉब्लम नहीं आती, या आगे क्या करना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। क्विक कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है, चलिए वो भी ट्राई करते हैं। ठीक है। देखिए सुनील जी, आपका पॉइंट अच्छा है, लेकिन हम जितने चार्ट रीड करते जाएंगे ना, उतने हमारे को सॉल्यूशंस उसमें दिखते जाएंगे अपने आप ही। राइट, क्योंकि चार्ट्स में ना सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है उसी में, और जितने हम हमारे पास जितने भी जो चार्ट्स हैं और उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस दिए हैं, उन कॉम्बिनेशंस में ही सॉल्यूशंस हैं। सो जितने हम चार्ट करेंगे उतने हमारे को दोनों रूल मिलेंगे, प्रॉब्लम के भी और सॉल्यूशंस के भी। ठीक है सर, मतलब जस्ट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन लेने का। करते करेंगे वो। चलिए ये चार्ट करते हैं। ये चार्ट है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो एक कविताकार भी थे और एक पेट्रोइट भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये आपको बताइए। इनके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो उनको ये सब चीजों का प्राप्त हुआ। जुपिटर सन, जुपिटर सन का कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। साथ में बुध भी साथ में है। जुपिटर सन थोड़ा बड़ा करेगा सर, सॉरी थोड़ा बड़ा करो ना, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। ये PPT का ना फुल साइज है, ये थोड़ा जूम करके बड़ा कीजिए सर। नीचे से स्क्रीन फुल कर दीजिए ना सर, नीचे वो PPS शो करके एक ऑप्शन आता है जिसमें सिर्फ यही दिखेगा, यही पेज दिखेगा। हाँ यही वाला था अभी। हाँ, अब हो गया, अब बिल्कुल सही है सर। रिकॉर्डिंग में भी अच्छा आता है। एक मिनट, थैंक यू सर। राइट, इसकी व्याख्या करते हैं हम। यहाँ पे गुरु और सूर्य साथ में बुध इकट्ठे बैठे हैं सेगिटेरियस में, केतु इनके आगे है D1 चार्ट में, केतु इनसे आगे है D1 चार्ट में। और अगर यही कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, यह रूल पहला ये कहता था हमारा, जो रूल D1 चार्ट में है और वो रूल D19 चार्ट में भी हमें मिलता है, तो उसके साथ जो एट्रीब्यूट अटैच है, कॉम्बिनेशन या प्रॉमिस अटैच है, वो कंफर्म हो जाते हैं चार्ट में, रूल ये कहता है। D9 चार्ट में अगर आप देखेंगे, सूर्य केतु जुपिटर, सूर्य केतु जुपिटर पीछे है, कनेक्ट कर रहा है। जुपिटर केतु, केतु बुध, केतु बुध, ये सारे कनेक्टिविटी में आपस में, जुपिटर केतु, केतु बुध, सूर्य, ये चार्ट बदल गया, सूर्य जुपिटर, सूर्य बुध, ये सब आपस में कनेक्टिविटी में है। नाउ अगर ये रूल बनता है हमारे दोनों D1 चार्ट और D9 चार्ट में, जहां पे रूल ये कहता है, जब बुध क्या है, बुध आवाज है, सुरीली आवाज है, ठीक है, सन उसके अंदर फायर प्लस एक प्रकोप है, एक प्रकोप नहीं, रादर एक एक प्रकार की एनर्जी है, राइट, सूर्य एक, और गुरु उसका भाषण या आप बोल सकते हो कि ज्ञान का कारक बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये इंसान को एक अच्छा गायकार या अच्छा एक वक्त शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि गुरु बुद्धि से बात करता है, बुद्ध बोल देता है, और सूर्य में वो एनर्जी है, साथ में वो ऊपर ले जाता है, ठीक। ये कॉम्बिनेशन बने जहाँ पे हमने बोला एक देशभक्त, एक गायक, और मतलब गायक से मेरा मतलब यहाँ पे जो पोइट है वो कविताकार के, वो उनसे, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने। नाउ
डीवन चार्ट में भी ये रूल कंफर्म होता है, जहां पे डीवन चार्ट में केतु जो है फ्लैगशिप है, जुपिटर सूर्य शनि ये कनेक्टेड है। अगर आपको याद होगा पहले भी हमने जब किया था, बहुत पहले जब हमने वेबिनार में किया था, हमने तब भी बात किया था गुरु सूर्य शनि जब कनेक्टेड होंगे आपस में तो ये सरकारी उच्च पोजिशन दर्शाता है, और केतु यहाँ पे जब कनेक्ट हो जाता है तो केतु के साथ कनेक्ट करके ये फ्लैगशिप को दर्शाता है, गवर्नमेंट के अंदर हाई पोजिशन दिखाता है। ठीक है, एक बात ना, जुपिटर जो है शुक्र और मून से, जुपिटर जो है शुक्र और मून से कनेक्टेड है, इज दैट राइट? यस सर, दोनों चार्ट में कनेक्टेड है, डी वन में भी और डी नाइन में भी, राइट? जब डी नाइन और डी वन दोनों में कनेक्टेड है तो ये प्रॉमिस भी फुलफिल हो गया। ये प्रॉमिस ये कहता है जब जुपिटर इससे कनेक्टेड रहेगा तो इंसान की वाक शक्ति बहुत प्रबल होगी, एक आर्टिस्टिक रेपुटेशन होगी और एक आर्टिस्टिक वाक शक्ति होगी जो कि उनकी थी ना। गुरु सूर्य, गुरु जो है सूर्य को और केतु से आगे, केतु से आगे, ये यहां पे ना ये बड़ा वाला चार्ट लगा के मेरे को स्क्रीन चलाने में दिक्कत हो रही है, एक मिनट हैं, स्किप दबा दीजिए सर, फिर ये विजिबल नहीं है क्या? ये बिल्कुल भी अभी विजिबल है सर, इससे मोबाइल पे उनको छोटा दिखता होगा जॉन जी को। हाँ मेरे को ना थोड़ा इजी होता उसको ऑपरेट करने में उससे। ठीक है, गुरु सूर्य और आगे केतु, यानी कि केतु आगे है गुरु सूर्य, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलने की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं ये ना। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन एक पैट्रियटिज्म दिखाता है, प्योर सेल्फलेसनेस, मदरलैंड के प्रति अपने आप को समर्पण कर देना, मदरलैंड की तरफ और नेशन की तरफ समर्पण। तो ही वॉज वेरी वेल डिवोटेड विद द नेशन, ही वॉज कनेक्टेड विद द मदरलैंड स्ट्रांगली, और पेट्रोलिज्म को दिखाता है ये। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उसको अगर हम देखें, गुरु सूर्य बुध सेगिटेरियस राशि में केतु के साथ, और डी नाइन चार्ट के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे गुरु सूर्य बुध केतु कनेक्टेड है साथ में आपस में, और शनि भी यहाँ पे कनेक्टेड है जो इंसान को उच्च सरकारी पद प्राप्त करता है, इंसान में एक वाक शक्ति, प्रबल वाक शक्ति प्रदान करता है, आवाज में बुलंदी होती है, रेपुटेशन होती है उसकी, क्रिएटिविटी बिल्ड होती है, और नेशन की तरफ उसका झुकाव होता है, ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दर्शाता है। एक चार्ट दूसरा लेते हैं सर, एक क्वेश्चन था सर इसमें जी, मैं सिर्फ दो क्वेरीज है, एक तो इनके पास वाक शक्ति थी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत स्लो बोलते थे, यानी वर्ड्स के बीच में गैप, सोच के बोलते थे, सोच के बोलते, बहुत सोच के बोलते थे, तो वो मर्क्यूरी करता था रेट्रो होने की वजह से, वो मर्क्यूरी रेट्रो के अलावा जब चंद्रमा और शुक्र का जो जो वो होती है ना वैल्यू, वो इंसान को थोड़ा दिमाग बोलती है, मतलब उसके अंदर वो ये सोच के बात करता है कि मेरे शब्द मुंह से कोई शब्दावली ऐसी यूज रहा हो जिससे दूसरे को हर्ट हो। सर इनका मैरिज क्यों नहीं हो पाया? यस 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 बोलिए। इनकी शब्द जो शब्दावली इनकी थी, उस शब्दावली के अंदर इनका हमेशा एक एक बहुत ही ऐसी शब्दावली थी कि अपने शब्दों से दूसरे को आघात पहुंचाते थे बिना उसको बताए, इन द सेंस स्वीटनेस के अंदर आघात पहुंचाते थे वो, मतलब वो अपनी शब्द बोल देते थे बातों बातों में और जो मैसेज था वो डिलीवर कर देते थे, राइट सर, और सामने वाले को ये नहीं समझ में आता था कि वो बात बोल गए हैं, अब बाद में रियलाइज करता था। ये शुक्र और बुध का, शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन, और साथ में बुध भी मिल जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आता है ये, बुध भी मिल जाए तो। और हम इसको नॉर्मल वैदिक की दृष्टि से देखेंगे ना, हम बोलेंगे कि भैया ये तो शुक्र और गुरु, शुक्र और चंद्रमा जो है यहाँ पे पापकत्री हो गए,
और हम बोलेंगे राहु के और मंगल के उसमें आ रही है, ट्राइन में आ रही है ना, उसको उस सब्जेक्ट से बोलेंगे। जहां तक आपका प्रश्न रह गया कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई, आपका आपका लगा प्रश्न ये था, राइट सर, ठीक है। नो मैरिज कॉम्बिनेशन, तो नो मैरिज कॉम्बिनेशन में हमने मैरिज कॉम्बिनेशन पढ़े थे, व्हाट वर द मैरिज कॉम्बिनेशन? गुरु शुक्र को देख ले या शनि शुक्र को देख ले, शनि शुक्र को देखे तो डिले मैरिज, गुरु शुक्र को देखे तो फास्ट मैरिज, राइट। और थोड़ा चर्चा के विषय के साथ करते हैं ये काम, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, चाहे 6-7 चार्ट करेंगे लेकिन चर्चा के विषय के साथ करते हैं ये, राइट सर, यही अच्छा लगेगा। हाँ, डिस्कशन होगा तो क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी भी आएगी, अच्छा साथ में याद भी रहेगा, राइट सर। जो पहले सुनील जी ने पूछा ना इनकी वाक शक्ति के बारे में, धीरे बोलते थे, शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे घर पे पड़ रही है वाणी पे, ठीक है, कह सकते हैं वो भी कह सकते हैं, लेकिन वैदिक का रूल अच्छा है वो, लेकिन जो बीएनएन का, जी सर बिल्कुल ओपन फॉर्म है, अप्लाई दिस रूल सर, जुपिटर से, जुपिटर को वीनस जो है 12th भाव में, 12th भाव का मतलब हो गया है वीनस की जुपिटर पे 25% पावर लग रही है, तो 25% वीनस की पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसको मैरिज करा दे, ये पॉइंट अच्छा है, क्योंकि पिछले वाले हाउस से 25% मिलती है, जो हमने शुरू में बीएनएन के बेसिक्स में किया था, ये 25% देता है, एक पॉइंट ये अच्छा है। और खाली एक पॉइंट से शादी नहीं दिखेगी सर, थोड़ा क्लियर कर देंगे, चंदेल जी ने क्या समझाया, थोड़ा क्लियर कर देंगे। उन्होंने बोला गुरु जातक खुद है और शुक्र जो है उसका मैरिटल का कारक है, जो 12वें हाउस में जाता था तो वो भले ही 2-12 कॉम्बिनेशन बचता है, लेकिन शुक्र के पीछे जाने से जो पावर ऑफ शुक्र होती है उसे 25% प्राप्त होती है। सर शुक्र से मार्स और राहु है, हाँ ये एक कॉम्बिनेशन राहु है, राहु मंगल को हिट करेगा, लेकिन राहु और मंगल जो है ना मैरिज टॉपिंग के इतने बड़े कारक नहीं है, मंगल के तो सर नॉन मैटेरियलिस्टिक होते हैं, मंगल और केतु, मंगल और केतु के कैसे हिट करेंगे एक दूसरे को, केतु उल्टा चलेगा ना सर, रेट्रो है, और मंगल तो केतु उल्टा चलेगा तो ऊपर जाएगा, कोई है नहीं 11th राशि में कोई नहीं है, हाँ लेकिन मैडम केतु ऊपर जाएगा ना, फिर केतु 9 की तरफ बढ़ेगा, मंगल 1 की तरफ बढ़ेगा, हाँ मंगल केतु तो अलग अलग हिट नहीं करेंगे एक दूसरे को, सॉरी वाणी धीमे से क्यों है, ये इसका एक और लॉजिक सकता है सर, बुध जो है हाईएस्ट डिग्री है, बुध हाईएस्ट डिग्री है, बुध और केतु सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यस, सो दिस इज अनदर थिंग, एंड सन एज सच इज अ डिसरप्टिव प्लैनेट, बुध और केतु आर कनेक्टिंग फर्स्ट, वो इन्फ्लुएंस देता है पॉजिटिव डायरेक्शन साइन के अंदर, बुध एक कारक है, लेकिन शुक्र और जो बुध रेट्रोग्रेड होके वापस शुक्र और बुध की तरफ, मंगल शुक्र और चंद्रमा की तरफ जा रहा है, वो दूसरा एक मेन कारण था जिसका है, बट बुध की पीड़ित पीड़ित होना भी एक कारण है। शादी का क्या कारण रुका सर, वन मोर क्वेश्चन, सर वन मोर क्वेश्चन, अगर मर्करी केतु से मिल रहा है तो डिफेक्ट इन स्पीच माइट बी लाइक स्टैमरिंग और समथिंग लाइक दैट, तो वो स्लोनेस आ गई ना उससे, तो अच्छा स्लोनेस ले रहे हैं, वाण वाक शक्ति तो स्ट्रांग थी लेकिन बोलते स्लो थे ना, रुक रुक के बोलते थे, बात अटक के बोलते थे, वो मतलब ओके समय लेके बात करते हैं, वो स्ट्रांग इसलिए थी कि बिकॉज सन एंड जुपिटर एंड गुरु आर स्ट्रांग एनफ, साथ में पीछे से शुक्र और चंद्रमा मिल रहे हैं, चंद्रमा और आर्टिस्ट वाणी में मिठास क्रिएटर, मिठास बोती उनकी वाणी में, यस
सर इनकेस सपोज जुपिटर एंड सन नहीं होता तो ये स्टैमरिंग वाली प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी और केतु मिलता है ऐसा होता? ये अगर अलग अलग हो जाते तो इनकी वाणी थोड़ी फास्ट हो जाती, साथ में इनकी मिठास नहीं रहती, ज्ञान जरूर रहते लेकिन तेजी होती, मिठास नहीं होती। सर वीनस अनुराधा नक्षत्र में है और कहीं ना कहीं वो सैटर्न उससे ट्वेल्थ है। हम नक्षत्रों को यहाँ लगाएंगे तो बीएनएल का कंसेप्ट टूट जाएगा। ठीक है, बट सर कुछ बीएनएल के कंसेप्ट में लोग नक्षत्रों के लॉर्ड भी यूज करते हैं तो मिक्स हो गया, मिक्स ऑफ नक्षत्र है वो। ठीक है फाइन। राइट, सो मैरिज का जो मेनली कॉम्बिनेशन रहते हैं, गुरु जातक खुद है और केतु जो कनेक्ट कर रहा है ना अल्टीमेट, वो केतु का स्टॉपिंग गुरु के साथ जब आता है तो वहां पे विघ्न आता है। शुक्र उसे पीछे गया, शुक्र ने और थोड़ा सा रुका, शुक्र पीछे है वो भी रुका। एक दो मल्टीपल कॉम्बिनेशन स्टॉप द मैरिज, एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन मैरिज को नहीं रोकता, मल्टीपल इफेक्ट होते हैं तो जाके चीजें रुक जाती हैं। अब इसी को D9 में लगा के देख लो। Yes. इसी बात को D9 में लगा के देख लो। अब यहाँ पे D9 में जब जाओगे आप तो गुरु और शुक्र तो कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, गुरु और शुक्र, लेकिन यहाँ पे केतु अगर आप देखोगे, केतु और अगेन गुरु के साथ मिल रहा है, यहाँ पे केतु यहाँ पे अगेन गुरु के साथ मिल रहा है कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो बीएनएन के अंदर क्या होता है कि अगर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ मिलता है और दूसरा प्लैनेट तीसरे साथ कनेक्ट होता है तो एक प्रकार की जोड़ी बन जाती है, ये एक प्रकार की, उस जोड़ी के अंदर अगर स्टॉपिंग वाला प्लैनेट आ जाते हैं तो वो स्टॉपिंग हो जाती करते हैं, केतु जो इसमें स्टॉपिंग का कारक बनता है फिर वो। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस केतु ने क्रिएट विथ गुरु और शुक्र के साथ वैसे ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड बना हुआ था, तो दैट्स द मेजर रीजन इज नॉट गेटिंग टू मैरिज। और अगर आप इस बात को अगर आप ले जाओ उससे वैदिक से ले जाते हैं, अब हम वैदिक से D9 देखोगे तो सातवा हाउस पीड़ित है, लगन एक्सेस सातवा हाउस पीड़ित है अगर वैदिक में जाओगे तो। ठीक, वैदिक में अगर आप जाओगे तो D1 का भी सातवा हाउस पीड़ित है क्योंकि केतु जो है ट्राइन में है उसके साथ सातवा हाउस। D1 का सतमेश पीड़ित है पाकत्री में है, D1 का सतमेश राहु मंगल के एक्सेस में है। ठीक, अगर वैदिक में जाओगे तो मल्टीपल चीजें अगर लगेगी किसी चीज की मल्टीपल पद्धति से लगेंगी तो वो कंफर्मेशन का एक रूल है कि वो चीज कंफर्मेशन दिखाएगी। तो यहाँ पे बीएनएल के पर्सपेक्टिव से हमें कंफर्मेशन। बट वैदिक ने भी कंफर्मेशन दी है। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड चार्ट,